Good morning, my dear student. This is me, Dikshit sir from Lightpur, UP. I'm going to teach you mathematics. So all the students pay attention to my board. And the last time, the quadratic geometry, I would start and complete it, the 6.3. And now I'm teaching about the area of parabolas and the triangles. And I'm going to be starting the new exercise, that is 6.4 from Arihant books. So all the students pay attention and give the direction. I give the direction so you can, everybody can follow what I say. Okay, pay attention to one first question. That is the त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a 3.0, 7.0 और c 8.0. माय डियर स्टूडेंट, हल में आपको क्या करना है, मैं पहले बता चुका हूँ, सब लोगों को याद है. जैसा मैं आपको बताता हूँ कि अज्ञात आपको हो जाता है तो आपको याद भी है कि हल करने का तरीका. मैं एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि सबसे पहले आपको दिया है, दिया में आपको आएगा तीन निर्देशांक ए बराबर ये, बी बराबर और सी बराबर. याद करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल. अब आया है आपका निर्देशांक के द्वारा आपको सेटलमेंट करना होगा. आइए हम बात करते हैं. तो मैंने आपको बताया कि आप चतुर्थांश बना सकते हैं, बनाने के बाद फिर सेट कर सकते हैं. यहाँ पे है 3.0 आइडिया यहाँ पर होगा, 7.0 यहाँ पर होगा, एम आई राइट. यहाँ पे बिंदु है ए, ये बिंदु है बी और 8.4, 8 एक्स अक्ष का होगा तो यहाँ पर होगा 8.4, 4 नंबर यहाँ होना चाहिए. तो एक आइडिया से आप क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं. यहाँ पर निर्देशांक लिखिए, आप इसको बोलते हुए चित्र भी बना सकते हैं, इसको कहते हैं बोलता हुआ चित्र. एक बात और है, हमने जो आपको बहुत पहले बताई थी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इनको चेक कर लिया करें. ये 3.0 फर्स्ट चतुर्थांश है, ये भी फर्स्ट चतुर्थांश की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि बीच में रेखा पे, ये भी सब फर्स्ट चतुर्थांश के प्रति इशारा कर रहा है. तो आप चाहें तो फर्स्ट चतुर्थांश को ही ले सकते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश को छोटा भी कर सकते हैं. जैसे मैं पहले यहाँ पर मानेंगे एक्स एक्स डैश देन वाई एंड माइनस. ओके माय डियर स्टूडेंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 कोष्टक में एक्स वन बाई टू माइनस वाई थ्री. मैंने कहा था अगर आप कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं करना है, प्लस एक्स बाई माइनस वाई प्लस एक्स बाई माइनस वाई ऐसा कर दीजिए. अब आपको ए बी सी को राउंड अप करना है, कैसे, 1, 2, 3, 1 के बाद आएगा 2, 3, 1, 2 के बाद आएगा 3, 1, 2. एक और वैकल्पिक विधि बताएगी, वैकल्पिक विधि से भी हम करवाएंगे क्वेश्चन, आपको आप आंसर हो जाए. लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, स्टूडेंट के कॉपी करते समय एक समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है, तो आप इसको करवा लो. आपने पहले ऊपर नहीं लिखा है, बिंदुओं को नहीं लिखा है तो आपकी समस्या हो सकती है, नहीं तो बिंदु जरूर लिख लें. 3.0 इसको लिख लें एक्स वन वाई वन, दूसरा बिंदु है 7.0 इसको लिख लें एक्स टू वाई टू, तीसरा बिंदु है 8.4 चार एक्स थ्री और वाई थ्री. अब आप बिंदु कैसे लिखेंगे, 1/2 निश्चित आ जाएगा. संरेखी में मैंने बताया था त्रिभुज का मान 0 के बराबर होता है जब 1/2 का 2 का गुणा साइड ले जाते, चूंकि 2 हर में है यहाँ पे तो दूसरे पक्ष में अंश में जाएगा तो गुणा करेंगे तो मान 0 आ जाएगा. जैसे मैं पहले आपको बता चुका आपको गया एम आई राइट. एक्स वन सिंपल है, कॉपी करना बहुत आसान हो जाता है. वाई टू, वाई टू क्या है 0 माइनस वाई थ्री क्या है 4 प्लस एक्स टू, एक्स टू में 7 वाई थ्री 4 माइनस वाई वन 0 एक्स थ्री 8 वाई वन कितना है 0 माइनस 0. आप एक बार और चेक कर लें कहीं आपने वैल्यू गलत तो नहीं कर दी. 3, 0, 4, 3, 0, 4, 7, 4, 0, 7, 4, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 0. आपको पता है एक दो इस तरह से क्रम से बदलते हैं, आपको जानते हैं. अब आप उसको हल करना शुरू कर दें. सबसे पहले हर में क्या करेंगे, 3 यहाँ पर है, आप इनको जो कोष्ठक में ब्रैकेट में लिख रखा उसको आपको हल करना है. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इन द रिटेन इन द ब्रैकेट. सो फर्स्ट यू डू इट, दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 8 0 में से 0 गया कितना बचा 0 बचा एम आई राइट.
एक में से एक जाता है तो जीरो बचता है, तो आपका जीरो वैल्यू क्या लाई आपकी पूरी मान वैल्यू जीरो हो गया। अब आगे बढ़ चलेंगे, यहाँ पर 1/2 माइनस चार किया 12 प्लस 28 ये आपका जीरो। आगे और चलेंगे 1/2 मल्टीप्लाई इनको हल कर लेंगे, 8 में से 2 गया कितना बचा 6 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 में से गया 16, 6 2 8 1 1 2 2 से भाग देंगे 8, देखिए 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका एक वैल्यू आ गई कि 8 मात्रक। मात्रक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको आप वर्ग मात्रक कहेंगे, क्योंकि आप बता क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग में होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको वर्ग मात्रक आपको आ गया होगा। मैंने कल बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालता है, इसका प्रैक्टिकल ही आपको हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ करेंगे, यानी चतुर्भुज को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, दो प्रकार के आप या तो इस तरह से लाइन करके इसको 1/2 बनाएंगे या इस तरह से लाइन करके इसको 1/2 बनाएंगे, कैसे भी कर लें, लेकिन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कहलाता है चतुर्भुज, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले सवाल करा चुके हैं, दूसरा सवाल है बिंदु 0 0 0 2 और 2 0 को मिलाने वाले से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, -4 1, -2 और 2, 5 है। ये भी आसान है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, बहुत आसानी से दोनों दूसरे और तीसरे सवाल को आपको ही करना है। चौथे सवाल पर हम चलते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये वर्ग आपको करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया थर्ड और सेकंड, थर्ड बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ पड़ना है। 0 से 0 घटाएंगे तो 0 0 को मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कोई समस्या की बात नहीं है। चौथा क्या है, दर्शाइए बिंदु 0 0 1 1 तथा 2 2 संरेखी है। संरेखी माने इस 3 बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0। माइनस स्टूडेंट क्या होगा, दिया है बिंदु 0 0 1 1 तथा 2 2 सिद्ध करना है या दर्शाना है। अब दर्शाना पॉइंट डाला है तो दर्शाना कर सकते हैं कि संरेखी तीनों बिंदु क्या है, संरेखी। अब आ जाएगा सूत्र और फिर आपका आ जाएगा हल। हल में मैं कैसे बताऊँगा, हल में मैंने बता दिया है, तो आपको एक चीज़ करना है, अगर आप चाहे तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं, अब जी बिंदु हो गया 0, जी बिंदु हो गया 1, जी बिंदु हो गया 2, जी बेखाना आपको अगर आप चाहें कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है, चूँकि आपको दिखाई भी पड़ रहा है सभी तीनों बिंदु एक ही उसमें रेखा में, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं सभी समय, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते, इसके तीन तरीके से शुरू होते हैं। कैसे होते हैं, मान लो बिंदु को मानते हैं ए इसको बी और इसको सी, तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब इन तीनों में से किसी भी दो की जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीसरे बिंदु की दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रत्येक में से किसी तीसरे बिंदु के जोड़ के बराबर होती है तो संरेखीय। तो पहले वाले टॉपिक में बताया था, दूसरा टॉपिक मैंने बताया था कि अगर आप रेखा का कोई भी m1 को मानेंगे कि अनुपात a से विभाजित करते हैं, तो आपका k का पहले तरीके से इन दोनों बिंदुओं को मानेंगे a और इसको मानेंगे b, बीच में मानेंगे c, सी का माना जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे a b c, त्रिभुज ऐसा बनता तो a से b सीधी रेखा होती, अब c वाली रेखा का बिंदु आपका नीचे आकर के इस जगह आ जाता है, तो यहाँ पर बिंदु क्या करा कहलाएगा c, तो ऐसी स्थिति में क्या अनुपात a मान करके k की आई हुई वैल्यू, और दूसरे तरीके से f के लिए y के लिए निकालेंगे k की वैल्यू, अगर दोनों समान होती तो इसका मतलब संरेखीय, अन्यथा वह संरेखीय नहीं। दूसरा तरीका बताया था, तीसरा मैंने बताया था सबसे ज़्यादा सरल है वह यह है जो बोर्ड पर दिखाई दे, आप इसको मान के चलें, पहला बिंदु क्या है 0 0 एक्स वन वाई वन बोलेंगे, 1 1 x2 y2 बोलेंगे, और क्या होगा 2 2 x3 y3 बोलेंगे, बस आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्र लगा के चलना है, लेकिन संरेखी के लिए आप स्पेशल करते हैं त्रिभुज क्षेत्र होते हैं संरेखी, या यहाँ कह सकते यदि यदि वह बिंदु
तब तब क्या होगा, एस वन बाई टू माइनस बाई वन प्लस एस टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एस थ्री बाई वन माइनस बाई टू, क्रम से चेक कर लीजिए, एक दो तीन गलती हो गई थी, दो तीन एक, इसका मान जीरो के बराबर होता है। कैसे होता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक बटे दो होता है, दो को जब वहाँ पे ले जाते तो मल्टीप्लिकेशन होकर जीरो हो जाए। अब आसानी से आप देख करके बड़े आसानी से आप क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू रख सकते बराबर के नीचे, जब सूत्र लिखते हैं सूत्र के बाद बराबर यहाँ लगेगा, फिर बराबर यहाँ लगेगा, चूंकि मैं नीचे नहीं जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू कितनी बाई टू स्टूडेंट, जीरो जीरो बाई टू बाई दो एक माइनस दो प्लस एक्स टू वन बाई टू होता है, अभी बाई थ्री बाई टू माइनस जीरो प्लस थ्री आ जाएगा टू बाई वन जीरो कॉमा माइनस जीरो कैसे करेंगे, जीरो पहले एक्स का लेंगे, नोटिस करिए पहले एक्स का लेंगे फिर बाई वन, जीरो एक दो जीरो एक दो, फिर यहाँ एक्स का लेंगे एक दो जीरो एक दो, यहाँ पर गलती हो गई थी आपको मैंने बताया था कि आपकी गलती ना हो जाए, इसलिए प्रोसीड और चेक के रूल को हमेशा अपना। फिर दूसरा क्या था, जीरो एक दो ठीक था, एक दो जीरो सही था, दो जीरो एक दो जीरो आगे बढ़ेंगे, पहले हम ब्रैकेट पर लुटाएंगे, दो में से एक गया कितना बचा माइनस ओके, प्लस एक मल्टीप्लाई दो में से जीरो जाएगा जीरो, प्लस दो का मल्टीप्लिकेशन होना है माइनस वन हमारे राइट, तो यहाँ दो दो आ जाएगा। आगे करेंगे जीरो का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी संख्या से होता है तो मान जीरो ओके, प्लस दो एकम दो और माइनस दो एकम माइनस प्लस कर जाएगा मान जीरो के बराबर आ गया। अतः उपरोक्त तीनों संघ यही हम दर्शाना था, कोई आंसर नहीं आना था, आंसर का काम नहीं था, हमें दर्शाना था कि क्या ये संरेखीय है, तो हाँ उपरोक्त तीनों बिंदु संरेखीय। देखिए मैंने पहले भी आपको बता चुके थे कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन पांचवा है, याद कीजिए जिसके शीर्ष एक दो छः दो पाँच तीन और तीन सात, फाइव डेयर स्टूडेंट तीन सात प्लस 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 मीन्स प्रथम चतुर्थांश, तो आप एक काम कर सकते हैं इस बात को ध्यान रखें, तो कैसे करना है आइए मैंने आपको बता दिया था, आपको पता है दिया क्या है, आप इसको छोटा बना सकते हैं और कर सकते हैं, आइए एक एक एक्स पे है छः दो यहाँ अनुमान के बाद छः दो होगा, पाँच तीन पाँच तीन और तीन सात तीन और इस तरह से आप वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक कॉमा दो यहाँ दिया जाएगा छः कॉमा दो यहाँ आ जाएगा पाँच कॉमा तीन और तीन कॉमा थोड़ा सा सेट को आएगा तक यहाँ पे सेट आएगा, आप एक अनुमान बना करके आप वैल्यू ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँगा इसमें कोई जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू लिख लेगी, अब आपको क्या है एस मतलब वैल्यू लिखने की जरूरत तो है लेकिन आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि परफेक्ट यहाँ पे लिखना, परफेक्ट आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक की नंबर डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ वैल्यू यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, गाइडिया लगा के अगर एक यहाँ आना है तो तीन कुछ यहाँ पे आ जाता है, तीन साथ यहाँ पे दिया जा सकता था, जैसे पर्सनल या डिस्टर्बेंस करें, अगर पाँच यहाँ पे आ जाता तो पाँच से एक की दूरी थी तो तीन कुछ यहाँ पे आता ऐसा था, वैल्यू आ जाते हैं यहाँ पर जाकर तीन इंसान, तो कोई नहीं है कोई समस्या की बात नहीं है, तो एक चीज़ है कि आपको आना चाहिए सवाल को जानना चाहिए। दिया क्या है, दिया है तीन बिंदु सीट्स चारों सीट्सों के नाम लेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आपको क्या करना है इसके लिए आप लैंड लाइन में अच्छा इसको आप पहला भी दीजिए इसको आप बस जैसे दोनों वाला निकाल सकते आप त्रिभुज पहला कौन सा ए बी सी ए इसको क्या बना का, मैं दोनों तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसके लिए आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, ए बटे दो
एक्स वन बाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस वाई वन प्लस इसके बाद ज़्यादा आ जाएगा तो नीचे नीचे ले सकते हैं ताकि हमारा फिर हम चूँकि आप आगे भी ले सकते थे, आपको लग रहा था कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, जगह हुआ है, आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर ले सकते हैं का छः पॉइंट, क्योंकि मैंने जगह को शॉर्ट कर दिया हमारे राइट यहाँ पर बड़ा चल रहा था मेरी बात आपसे। अगर आपको लगता है कि यहाँ जगह शॉर्ट पड़ सकती है, यहाँ पर लंबा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं शुरू ए बटे दो कोष्ठक में एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू और कोष्ठक में यहाँ पर आगे लेके चले वन बाई टू आपको आ जाएगा जैसे बता रहा है एक्स वन एक्स वन यहाँ से शुरू करेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स वन। इस बात को ध्यान रखेंगे जब भी आप सवाल करें कृपया आप वेट जरूर मान वन कॉमा टू एक्स वन बाई वन सिक्स कॉमा टू एक्स टू बाई टू और आपका फाइव कॉमा थ्री एक्स थ्री बाई टू एवं मान लेते आपकी गलती नहीं हो और किसी भी तरह से मान सकते क्योंकि आप जान रहे हैं कि सब सिस्टम का एक समरम वो है मतलब इस तरह से सेटलमेंट है कि वो गुणांक में तो कोई समस्या आपको कमी होने वाली नहीं। वन ठीक है टू और थ्री टू सिक्स थ्री टू प्लस आपका एस थ्री आ जाएगा फाइव उसी का वाई नहीं वाई आएगा टू टू आप चेक भी कर सकते हैं एक दो तीन एक दो तीन छः तीन दो पाँच दो 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 आप इसके बाद हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग पूर्ण करेंगे एक यहाँ पर छोड़ देंगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस घट जाएगा आपको पता है बड़ी से छोटी संख्या घट जाती बड़ी जैसे आ जाती आपको पता है या फिर तो क्या था माइनस थ्री में से दो घटाएंगे माइनस वन बचेगा यहाँ पे छः में फिक्स रख देंगे तीन में से वन जाएगा तो कितना बचेगा वन प्लस का बचेगा एम आई राइट प्लस फाइव फाइव टू वन टू में से टू सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ आई गेट द आंसर माइनस वन प्लस सिक्स प्लस जीरो आगे हम चलेंगे तो क्या आएगा माइनस छः में से माइनस वन जाएगा तो कितना बचेगा आपको बचेगा आपका फाइव आंसर आ जाएगा फाइव देखिए बेटा माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ग मात्रक क्यों लिखेंगे क्योंकि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का ही वो सेंटर में तो वर्ग क्यों आता है मैं आपको जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ ये आपकी लंबाई है एम आई का क्षेत्रफल वो समतल होता है तो चौड़ाई आप गुणा करते होंगे दस गुणे पाँच आपके तो लंबाई गुणे चौड़ाई एम आई का आपने कितना लगा दस दस जी सेंटीमीटर जेबी सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर गुणे पाँच सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट नोटिस करिए क्या आखिर वर्ग सेंटीमीटर क्यों आ जाता है वर्ग क्यों आ जाता अब संख्यात्मक गुणा करेंगे तो क्या होगा दस गुणे पाँच सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तो यहाँ तो मान क्या हो जाएगा पचास लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का क्या है दो बार गुणा तो आप इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर के ऊपर दो बार एम आई राइट इसी दो को ही माइडियर स्टूडेंट दूसरे शब्द में कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। बात जान लो इकाइयों का गुणा प्रदर्शित करने के लिए ताकि पहचान हो सके अगर आप घन कहते हो घन मानो आयतन घनत्व घन आयतन अगर तीन की बात करते हैं तो आयतन का सूत्र होता है जिसकी तीन घात होती उसको हम कहते हैं तो आपने देखा कि एक हिस्सा हमारा आ चुका है पहले आप एक हिस्सा कॉपी कर लीजिए फिर उसके बाद में दूसरा हिस्सा तो माई डियर स्टूडेंट इसके आगे हम चलेंगे तो आएगा त्रिभुज अब आ जाएगा ए सी जी ए बात ध्यान रखिएगा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अभी मैं त्रिभुज में भी समझाऊंगा जब भी कोई भी नामांकन की बात की जाए मान लो यहाँ पर रखा हो सी बी यहाँ पे तो आप इसको सी बी ए मत तो सी को देखिए आप ये चेक करिए त्रिभुज में अंग्रेजी लेटर का सबसे छोटा अंक क्या है अगर इसको प्रमाण देंगे इसका वन थ्री का नाम करता तो वन टू थ्री ए बी सी ही कहलाएगा इस बात का विशेष जैसा कि मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ तो जब भी आप किसी भी त्रिभुज चतुर्भुज का नामांकन करें तो अंग्रेजी के प्रारंभिक लेटर के बाद से क्रम से कर दें इस बात का ये नामांकन कहलाता है
एक इसी जिसको मैंने कहा था वो का क्षेत्रफल, हमने कहा था इसका क्षेत्रफल नीचे लिखे का क्षेत्रफल, लेकिन इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या एक लाइन और चाहिए पड़ेगी। अगर गलती से आपका ऐसा हो जाता है ए बटे दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। अगर ऐसा कभी हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर ऐसा कभी हो जाता है कि आपका वैल्यू आपने नहीं लिख पाए एक्स वन एक्स टू की, तो आप एक काम कर सकते हैं, बड़ा पोस्टर लगा करके वैल्यू ले सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू होगी एक कॉमा दो, इसको एक्स वन वाई वन कहेंगे। दूसरा क्या होगा, आपकी एक ही बात चलता है राय सी पाँच कॉमा थ्री, इसको कहेंगे एक्स टू वाई टू कहेंगे। और तीसरा होगा थ्री कॉमा छः एक्स थ्री वाई थ्री कहेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग जान रहे एक दो पाँच तीन और तीन सात, मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो छोटा सा आपको दिखाई पड़ा। पहले मैंने बड़े त्रिभुज को निकाला, दोनों त्रिभुजों को मान जोड़ने पर चतुर्भुज का मान निकाल सकते हैं। आगे हम करेंगे बड़ा सा पहले सर एक्स वन वाई टू क्या होगा बाई टू थ्री बाई थ्री सेवन प्लस एक्स टू फाइव बाई थ्री कितना सेवन बाई वन टू प्लस एस थ्री थ्री बाई वन कितना है टू और बाई टू कितना है थ्री। आइए करके देखते हैं, दोबारा सवाल को रिन्यू करते हैं, देखते चेक करते हैं। वन थ्री सेवन वन थ्री सेवन आगे का फाइव सेवन टू फाइव सेवन टू नेक्स्ट है थ्री टू थ्री टू टू आगे चले वन मल्टीप्लाई माइनस सात में से तीन गया तो कितना बताया चार चार पाँच सात पाँच गुणन पाँच तीन गुणन। यहाँ पे क्या चार तीन सात चेक जरूर करते जाइए, अगर आप चेक नहीं करिए आपको नुकसान हो जाए भरपाई आप नहीं। तो चार में से तीन गया माइनस चार, क्या चिन्हों की भी गलती हो सकती है, सात में से दो गया पाँच घर का पाँच आएगा तो माइनस तीन से गया, इस तरह से गया। आगे बढ़ चलेंगे तुम्हारा के पास वैल्यू ये मैं वैल्यू ले ली थी कि पहले वाली वैल्यू क्या लगी फाइव पॉइंट टू, अब आगे करेंगे यहाँ निपटाएंगे माइनस चार तीन स्टेप होता है प्लस पचपन पच्चीस चेक करते जाइए और माइनस तीन कर दीजिए। आगे बढ़ चलेंगे बारह पॉइंट टू चार पाँच माइनस सात प्लस पच्चीस आगे बढ़े चलेंगे तो एक बटे दो मल्टीप्लाई पच्चीस में से सात गया बचा कर, ठीक है सात दो चौदह पंद्रह क्या कराएगा अट्ठारह का कराएगा अट्ठारह बटे दो हो सकता है आप इसको काट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे काटने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि आपका दूसरा वाला सामने भी आपका पाँच बटे, इसलिए मैं सलाह आपको नहीं दूंगा कि आप उसको काट दें। अब आपको करना क्या है, अब आप जानिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये कैसे निकलेगा बड़ा त्रिभुज जो था पहला ए बी सी ए बी सी जिसको आपने क्या कहा था ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी ए सी डी सुधार दो का क्षेत्रफल आपको ज्ञात था, दोनों का मान है क्योंकि पहले वाले का क्षेत्रफल था पाँच बटे दो आया था, दूसरे वाले का हमने अठारह बटे दो आया था, मैंने क्यों नहीं काटा तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बता था पहले वाले का फाइव पॉइंट टू आ चुका है, अगर काट भी नहीं देते तो फिर लास्ट दो आ जाते दो एक का आ जाता दो तो दो का नौ आ जाता तो नौ का अठारह जो गलत हो जाता तो आपको गलती करने की आवश्यकता नहीं, दोनों का हर एक समान दो आ गया। आप अगर हर समान है तो संख्या सीधे जुड़ जाएगी और कर जाएगी, इसके बाद जब हम ना करना चाहते तो कितना हो जाएगा अठारह पाँच तेईस तेईस बटे आपका आंसर आ चुका है चतुर्भुज ए बी सी डी का जो चतुर्भुज है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा वह है दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी का क्षेत्रफल का योग कहलाया, एक का पाँच बटे दो था एक का अठारह बटे दो था, दोनों जोड़े
दोनों का हमारा मंदिर तैयार हुआ, हमारा हुआ कट्टा 23/2 वर्ग मात्र। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि बिंदु 3.4 और 7.47 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु K.0 से होकर जाता है तो K का मान क्या है? अगर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाना बनने वाला हो तो रेखाखंड इसमें आपको बात करें बिंदु कितना है 3.4 को 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर होगा और 7.7 होगा रेखा हमारे। अगर जी वाला बिंदु अगर मान लो ये है 3.4 यहाँ पर है एक्स एक्स वाई वाई जी बिंदु किससे जाता है दूसरा बिंदु 7.7 जी किससे जाता है K.0 से। अगर ये K.0 से ऊपर जाता है तीनों बिंदु कैसे सन्न दिया हो जाएगा तीनों बिंदु संरेखीय जैसा कि आपको याद है अगर जो उससे रोके जाता है तो तीनों बिंदु कैसे सन्न तब क्या होगा अगर हम तीनों बिंदु सन्न कह सकते 3.4 K.0 और 7.7 ठीक है X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 अब आपके लिए पता है कि संरेखीय तब क्या होगा X1 Y2 -Y3 प्लस X2 Y3 -Y1 प्लस तीसरा होगा X3 Y1 -Y2। अगर आप चाहें इसके लिए दूसरा तरीका भी बना सकते हैं जैसे होता है 56 का नियम बता देता है आपको तो आपका क्या होगा 3 0 -7 ऐसा भी मैंने बता रहा 0 ले लीजिए 7 -4 7 ले लीजिए 4 -3 चेक कर लीजिए 3 0 7 3 0 7 0 7 4 0 7 4 7 4 0 7 4 0 आगे तो क्या हो तो इस तरह से चेकअप करोगे और ठीक है तो 3 K 7 3 0 2 सॉरी यहाँ देखते हैं इसलिए मैंने इसको जानबूझ के किया है तो आपको आप ध्यान रख सकें जान सकें बचा। अब पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है उसको हम लोग हल कर लें इसके बाद आ गया है 3 × -7 प्लस के यहाँ पर सेवन में से फोर जाएगा तो 3 बचेगा प्लस 7 × 4 = 0। अगर तीनों वैल्यू संरेखीय हैं तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है जैसा हम पहले 3 × -7 ठीक है के 7 × 4 = 3 के गुण 3 ठीक है और 7 × 4 ओके आ जाए -7 = 21 प्लस 3 प्लस 7 × 4 = 28 बराबर 0। अगर बराबर दो बार 0 वाला तो एक बार बराबर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है या एम्प्लॉयज लाइट का भी यूज कर सकते हैं ठीक है। अब आपकी वैल्यू इन दोनों को हल कर सकते हैं तो 3 K = 28 21 का बचेगा 7 = 0 7 2 7 3 K = -7 K = -7 तो ये आपकी कैटेगरी में कर दिया जो कि समय की जिंदगी है जैसा कि आपको बोल कर पढ़ा निश्चित है कि आप इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं नाम टिकट माय डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सातवां क्वेश्चन सिंपल था। सातवां क्वेश्चन में आपको पढ़कर बता दूँ देखिएगा यदि बिंदु पी 1.2 2 2 1 2 और 4 11 संरेखीय रेखा मान ज्ञात की है बहुत सिंपल है कोई बड़ी बात नहीं जैसे मैंने पहले सवाल किया था वैसे इस सवाल को भी ध्यान डाल सकते हैं आप लेकिन आपका आठ थोड़ा कठिन है यदि बिंदु 2 λ (2 λ+2 3 2λ+1 1λ+1 का संदिग्ध है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए तो आपको पता है यदि आंसर में आ जाएगा यदि तीनों
कमरे किए हैं तो क्या होगा आपका एस वन बाई टू माइनस बाई थ्री, एस टू बाई थ्री माइनस बाई टू, एस थ्री बाई वन माइनस बाई टू बराबर एम आई राइट। सिंपल है, आइए एस वन क्या है आपको वैल्यू माननी पड़ेगी, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं सीधा मान की वैल्यू करता हूँ, दो लैम्डा कोस टू बाई थ्री क्या नाम है यहाँ बाई टू है टू लैम्डा प्लस वन। आप इसके लिए काम और कर सकते हैं, बड़ा कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप आसानी से कर सकते हैं, एस वन बाई वन, एस टू बाई टू, एस थ्री बाई वन, लैम्डा प्लस वन, लैम्डा प्लस वन। आप वैल्यू देते आइए, कहीं कोई गलती होगी मुझे बताइएगा। यहाँ बाई टू आ गया थ्री, फिर आपको हैबिट आ जाएगी, हैबिट से आप बहुत अच्छा करने लगेंगे, लैम्डा प्लस वन ये आ जाएगा माइनस टू लैम्डा प्लस टू। देखिए मैं एक एक को करता जा रहा हूँ, सवाल थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, आपका सवाल तो आधे ही सॉल्व हो गया। देखते कैसे सॉल्व होता है, थर्ड का होता है वन वैल्यू में बड़ा वैल्यू में टू लैम्डा प्लस टू माइनस टू लैम्डा प्लस वन, दोबारा चेक करिए, टू लैम्डा ठीक है, टू लैम्डा प्लस वन ठीक है, लैम्डा प्लस वन ठीक है, फिर आ जाएगा थ्री, थ्री आ जाएगा लैम्डा प्लस वन और टू लैम्डा प्लस टू ठीक है, फिर आएगा वन प्लस टू लैम्डा प्लस टू और प्लस माइनस टू लैम्डा वन। आप क्रम से देखेंगे एक दो यहाँ पर रिपीट होगा, अगला आएगा यहाँ पर रिपीट होगा, फिर वहाँ पर अगला। आगे हम करेंगे, सबसे पहले आपको अंदर का डिफाइन करना है, दो लैम्डा पहले तो आप कोष्ठक खोल लीजिए, उत्तर आपको अपने आप आएगा, दो लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा माइनस। देखिए मैंने दो कोष्ठक लगा रखे थे, मैंने पहले छोटा वाला निपटा दिया ताकि मुझे पता था इस लैम्डा से भी प्रॉब्लम हो सकती थी, इस जो हमारा आगे माइनस चार्ज आता है अंदर की चिन्ह बदले के लिए इस चीज़ का बारे में सीखना होगा, लैम्डा प्लस वन माइनस टू लैम्डा माइनस टू, यहाँ पर सीख कर दिया हमें लैम्डा प्लस वन माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वन टू लैम्डा प्लस टू माइनस टू लैम्डा माइनस वन। आगे आप कोष्टक के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हमें सॉल्व करें, आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ सब मान आपको पता होना चाहिए ये सब वैल्यू किसके बराबर होती है, ये सब वैल्यू जीरो के बराबर होती है क्योंकि संधि की विशेषता है, संधि की विच्छेद पर का मान जीरो होता है, तो आपको जरूरत नहीं है तीन बार लगाने की, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इम्प्लाइज कर सकते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या है टू लैम्डा से लैम्डा गया लैम्डा बचा, ए से एक कट जाएगा सब लैम्डा बचा, राइट थ्री है थ्री, अब आप यहाँ पे सब निपटा देंगे, दो लैम्डा में से लैम्डा जाएगा माइनस लैम्डा और माइनस वन, एम आई राइट, दो लैम्डा में से एक लैम्डा गया तो एक लैम्डा बचा और माइनस दो में से बन गया तो बन गया। अब आप आराम से करते चले बिल्कुल स्लोली स्लोली, टू लैम्डा से टू लैम्डा कट जाएगा तो बचेगा आपका जीरो, यहाँ पर चुन गया दो में से जाएगा तो बचेगा कितना एक, इस तरह से मान लिया जाएगा जीरो, एक बार चेक कर लीजिए ठीक था, दो लैम्डा में से लैम्डा गया लैम्डा बचा भी कट गया ठीक है, थ्री था माइनस वन माइनस वन ये बना गया। आगे फिर अपना वर्क करेंगे हम, अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, दो लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कैसा जाएगा माइनस थ्री लैम्डा माइनस थ्री प्लस वन बराबर जीरो, अब आपका हो गया दो लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा तीन में से ज़्यादा माइनस टू बराबर, यहाँ पे दो एस स्क्वायर माइनस तीन एस माइनस दो बराबर जीरो, एक द्विघात समीकरण आ चुका है, इस द्विघात समीकरण को हल करने के पश्चात आपका आंसर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट यू पहले आप कॉपी कर लें ताकि बोर्ड को अमलब कर लें फिर सुन कर सकें। देखिए बोर्ड पर आ जाइए, दो लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ए और सी भी ऐसे मान लगेंगे जो घटकर घटकर क्यों आएगा क्योंकि आप बता रहे बी के आगे माइनस है और सी है, तो दो बड़े माइनस दो मान चाहिए है माइनस तीन, दो दो तीन चार चार बने एक कितना मान चाहिए माइनस तीन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी बनी चाहिए माइनस एक बचेगा तीन बचेगा, दो लैम्डा स्क्वायर माइनस चार लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस दो बराबर माइनस चार लैम्डा से एक लैम्डा गया तो बचा तीन लैम्डा,
उन दोनों का जुड़ा कर जाएगा, दो लैम्डा आप निकाल दीजिए, क्या बचेगा लैम्डा माइनस दो, यहाँ पे कॉपी होगा कुछ नहीं है, मतलब एक निकल आएगा लैम्डा माइनस दो बराबर जीरो, कॉमन क्या है लैम्डा माइनस दो एक आ गया और दो लैम्डा प्लस वन आ गया बराबर, आगे आप इसको भी हटा सकते हैं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, इसके बाद ध्यान रखें ताकि आपका वैल्यू यहाँ सभी जा सके और चाहे आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा लैम्डा माइनस दो बराबर जीरो, लैम्डा यहाँ दो लैम्डा था, दो लैम्डा प्लस वन बराबर जीरो, लैम्डा क्या जाएगा इस साइड आएंगे टू, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस वन, कौन सी वैल्यू ठीक है लैम्डा की वैल्यू है आपकी टू, वैसे दोनों भी आ सकते हैं बोर्ड में तो दोनों आ रखी, लेकिन अगर आपको अग्रा की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी दोनों मान से आप आ सकते हैं, जो भी हम चाहें बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन आ चुके होंगे निश्चित है बेहतर ढंग से समझ चुके, अगर कहीं कोई भी डाउट होता तो एक बार यूट्यूब के उस चैनल को रिवाइज करके देख सकते हैं, दूसरे काम और कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को रिपीट करना ना भूलें, प्रोसीड एंड रिचेक करना भूलें ना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि नवा सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15/8 है, 15/8 वैल्यू रखती बल फ्लाई तथा शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 1.7/2 एस को माइनस वन और 5/2 और 3/2 है तो एस का मान ज्ञात करो या कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आइए कैसे पढ़ते हैं इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू दे रखिए तो मान को आपको ज्ञात करना है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे है आपको इस बात का विषय ध्यान रखना, सिंपल चीज़ है, आइए ज्ञात करते हैं, यहाँ पे पहले हम कुछ वैल्यू बना देंगे और बनाने के बाद एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगे, त्रिभुज हम चाहेंगे प्लस का माइनस का देख के किया जाए, लेकिन अभी मैं कोई भी वैल्यू बना नहीं करके सीधा सीधा मैं कर रहा हूँ 3-7/2 जैसे मैंने बता रखा था एक्स माइनस वन और दूसरा क्या है 5/2 आपकी तीनों वैल्यू आ रखी हैं, तीनों वैल्यू को देख करके हम लोग को क्या बताना है त्रिभुज का क्षेत्र ज्ञात करना है, त्रिभुज के क्षेत्र का आपको सूत्र ज्ञात है, त्रिभुज का क्षेत्र नहीं लग रखा मान सूत्र होता है 1/2 बड़ा पोस्ट में एक्स वन बाई टू माइनस बाई आपको ज्ञात है 3/3 आ रहा है एक्स टू बाई 3 माइनस बाई 1 2 3 2 3 1 आगे चलेंगे एस थ्री वाई वन माइनस वाई टू 1 2 3 2 3 1 3 1 आगे फरवर्ड चलेंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्र का मान दे रखना 15/8 इकाई दे रखी, सवाल कठिन क्यों हो गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ बटे का प्रयोग कर दिया गया सही बटे नहीं तो कोई बढ़िया नहीं, पहले देंगे हम लोग एक्स बताया थी फिर आप लेंगे माइनस वन फिर आप क्या करेंगे माइनस वन से माइनस 3/2 का ध्यान रखें प्लस एक्स टू एक्स 3/2 माइनस माइनस प्लस समझ में आ गया यहाँ से माइनस आता है और माइनस चूंकि यहाँ पे लिख रखा था तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा कोई डाउट नहीं करना कोई डाउट नो डाउट प्लस नेक्स्ट होगा आपका 1 2 3 5/2 5/2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7/2 माइनस माइनस प्लस बस यहाँ पे सवाल टिपिकल हो गया जो इसके रूप 3 माइनस 1 3/3 यहाँ पर माइनस कम होना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं गलत कर चुका हूँ यहाँ पर पहले आएगा 3 7/2 नहीं आना चाहिए यहाँ पर 3 आपको लिया तो यहाँ पर माइनस वन 7/2 माइनस वन आएगा इसीलिए मैंने कहा था कि माइनस 3/2 एक्स 3/2 माइनस 7/2 एक्स 3/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2 प्लस 5/2 ठीक है माइनस 7/2 और माइनस माइनस अब आगे इसको कम करेंगे 15/8 सेम वैल्यू 1/2 आगे ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ हल करेंगे 2 का गुणा करेंगे यहाँ 1/5 चलेंगे 2 का गुणा करेंगे यहाँ पहले वैल्यू 3 2 का गुणा करेंगे माइनस 2
यहाँ गुणा करेंगे, एक का माइनस थ्री बटे दो एक जी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू डाल दो, हर सामान को सीधे जुड़ जाएंगे, सीधे बढ़ जाएंगे, सात तीन दस, दस बटे प्लस पाँच बटे दो है। आगे हम कैसे करेंगे, एक माने एक सत्य माइनस था प्लस दो एक बटे दो एक, आगे बढ़ जाएंगे पंद्रह बटे आठ एक बटे दो थ्री मल्टीप्लाई एक सेक्शन मिल जाते हैं पाँच बटे दो, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम कर सकते हैं चूँकि दो सब का नीचे हर चाहिए इसलिए आपको टेंशन नहीं है, तो छोटा ही है दस एक्स बटे दो प्लस पाँच बटे दो मल्टीप्लाई सात में से दो गया तो पता चलता माइनस कोई डाउट, ठीक है। सवाल कठिन तो नहीं है लेकिन कोई भी स्टेप में अगर आपने गलती कर दी तो सवाल बड़ा हो सकता है। पंद्रह बटे आठ किराया एक बटे दो है, यहाँ और छोटा करने की कोशिश करेंगे माइनस तीन पाँच पंद्रह, पंद्रह बटे प्लस दस एक्स बटे दो प्लस प्लस माइनस हो गया माइनस किराया पचपन पच्चीस पच्चीस बटे चार। सवाल देखिए धीरे धीरे हमारा बढ़ता हुआ ताकि सवाल थोड़ा हल हो सके, आप चाहें यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ ड्रॉप कर दे रहा हूँ, पंद्रह बटे आठ हो जाएगा बराबर एक बटे दो, यहाँ पर हम हर चुकी चार ही मानेंगे, दो दो चार हर चार आएगा, दो का भाग चार में लेंगे दो आएगा, पंद्रह दूनी बीस दो का देंगे दो दो दूनी दो एक दो बीस माइनस पच्चीस बटे चार। सवाल को मैं यहीं छोड़ करके दोबारा फिर करूँगी ताकि आपका अच्छा अभी बार चेक कर लें कहीं कोई गलती ना गलती अगर एक ही निकल के आती है या एक आध स्टेप और हो सकता है तो मैं एक आध स्टेप यहाँ दे रहा हूँ, कोई चीज़ है थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है, यहाँ कहीं कोई चीज़ बढ़ गई तो उससे क्या होगा कोई डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि सब पार्टी को जो टू जरूर मैं पार्ट करने के बाद बहुत अच्छी तरह से करता है। ये ठीक था, दो दूनी चार आ गया था, पंद्रह दूनी तीस हो गया, दस दूनी बीस हो गया, पच्चीस हो गया। आगे आप और करेंगे तो एक स्टेप और करना चाहें तो फाइनल हो जाता है पंद्रह बटे आठ बराबर एक बटे दो पोस्टर में देंगे डिमान की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी एक्स माइनस पच्चीस तीस तीस पचास पचपन पचपन बटे यहाँ पर लास्ट में आ चुकी है पोस्टर। दिस इज बिन देखो माय डियर स्टूडेंट लास्ट पेयर में थी इन अपॉन एट इज इक्वल टू वन बाय टू ब्रैकेट ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टी फाइव अपॉन फोर, यहाँ पे एक ही पद है दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है फिफ्टीन अपॉन एट इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन एट और ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टी, यहाँ भी मैं ब्रैकेट में भी छोटे आ गया बड़ा रस्ते तक छोटे रखते आठ से आठ से छुट्टी कर जाएगा एक का बड़ा करेंगे सेम बचेगा ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टी फाइव, यहाँ पर जाएंगे फिफ्टीन प्लस फाइव इज बल टू ट्वेंटी एक्स फाइव सेवेंटी इज बल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई एक्स दूसरा दो ट्वेंटी का डिवीजन है जाएगा सेवेंटी ऑन ट्वेंटी इज बल टू एक्स एक्स इज बल टू सेवेंटी आंसर एक्स की वैल्यू सेफ अतः एक्स की वैल्यू सात बटे दो होने का सकता था। माय डियर फ्रेंड इससे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू वेरी मच।